विवाद किसी दूसरी के बीच में नहीं होती, कोई तीसरा उंगली करता है तब होती है कि उनके वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया और तेरे वजह से तो वो भी बर्बाद हुए। दोस्तों, इस बार फिर से खेसारी और पवन भैया को लेकर आप लोगों के बीच में एक नई खबर आई, जिसके वजह से खेसारी भैया को लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए पूरा देखना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है खेसारी और पवन भैया के बीच में काफी दिनों से तरह तरह का बवाल चलता ही आ रहा है, जिसकी वजह से दोनों में एक दूसरे से कभी बनती भी नहीं है, लेकिन इस बार खेसारी भैया पवन भैया के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल दिए, जिसके वजह से पवन भैया के फैंस खेसारी भैया को तरह तरह की गालियां भी दे रहे हैं। यही दूसरी तरफ पवन भैया खेसारी भैया पर काफी गुस्सा भी नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से खेसारी भैया को कहीं पवन भैया से सामना न करना पड़ जाए। भोजपुरी का ही हूँ ना, आप अगर यूट्यूब पे खेसारी के लिए गंदा बोलते हो तो सिर्फ खेसारी लाल और भोजपुरी के लोग थोड़ी सुनते हैं, उसको कातार कंट्री के भी लोग सुनते हैं, अदर भाषा के भी लोग सुनते हैं। तो आप अपने घर के बेटे को खुद ही बेइज्जत कर रहे हो और कह रहे हो कि भोजपुरी को हमने नाश कर दिया। गलत आप बोल के और यूट्यूबर पे पूरी दुनिया को बताते हो कि मैं रॉन्ग, खेसारी लाल रॉन्ग, फलाना रॉन्ग, कहीं रॉन्ग,